टू ऑल, आपका ट्रैवलिंग बीस्ट में स्वागत है। मैं 6 बज रहे हैं सुबह के, मैं अभी उठा हूँ। और भाई, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और आज जैसा कि हम दिल्ली जाएंगे, आज दिल्ली के में चांदनी चौक जाएंगे और मुझे कुछ ख़रीदना है, तो वहाँ के लिए मैं निकलूँगा और निकल के आपसे बात करता हूँ। अब घर से निकल चुका हूँ मैं, और जैसा कि मैं चांदनी चौक जाने वाला हूँ, बाई कार जाऊँगा, उसके बाद मेट्रो में से जाऊँगा। तो जैसा कि बुलंद शहर से चांदनी चौक पड़ता है, लगभग 80-90 किलोमीटर के करीब पड़ता है, तो ट्रैवलिंग 2 घंटे की रहेगी। उसके बीच में आपको दिखाऊंगा चांदनी चौक में क्या 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 फेमस है। वैसे कपड़ों की मार्केट है सारी, और ज़्यादातर फॉर्मल चीज़ें मिलती हैं, जैसे शादियों का सारा सामान वहाँ से आपको परचेस कर सकते हैं। तो चांदनी चौक में काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो आगे आपको मैं वहीं दिखाऊँगा और रोडों की टाइम लाइन बना के दिखाता हूँ। फाइनली मैं टोल पे पहुंचने वाला हूं, सामने टोल है, और इसके बाद मैं ग्रेटर नोएडा के पैराफेल पे चढ़ूंगा। पैराफेल जो सीधा ग्रेटर नोएडा मेरे को उतारेगा, उसके बाद सीधा वहां से नोएडा पहुंचूंगा, बोटेनिकल गार्डन, फिर वहां से मैं मेट्रो पकड़ूंगा। तो गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को मेट्रो पे बैठना, वरना गाड़ी से भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर चांदनी चौक में रश बहुत रहता है, आप समझ सकते हो, पार्किंग की बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं वहाँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि बोटेनिकल गार्डन अपनी गाड़ी खड़ी करी जाए और वहाँ से बाया मेट्रो निकला जाए। तो ठीक है गाइज, अब टोल आ गया, टोल के बाद मैं आपसे बात करता हूँ और फिर आगे की बात बताता हूँ। फाइनली मैं ग्रेटर नोएडा पहुँच चुका हूँ, और जैसा कि अभी मेरे को सीधा हाईवे पकड़ना है, परी चौक वाला सीधा नोएडा उतार देता है भाई, बहुत अच्छा है। और सामने आपको दिख रहा होगा ग्रैंड वेनिस, अगर दिख रहा हो तो सही है, नहीं दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब मैं आगे आपसे बात करता हूँ और धीरे धीरे चलता हूँ। तो भाई मुझे बहुत हंसी आ रही है। तो अब मैं बोटेनिकल गार्डन पहुंच रहा हूं, और ट्रैवलिंग बहुत अच्छी चल रही है भाई। गाइस, मैं बहुत अच्छे अच्छे अभी ब्लॉग्स और बनाने वाला हूं जल्दी में, और मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा गाइस। मैं बोटेनिकल गार्डन पहुंच चुका हूं मेट्रो स्टेशन, और अब मैं स्टेट से ऊपर जा रहा हूं, और ऊपर जा के फिर आपसे बात करूंगा मेट्रो में। फाइनली मेरी मेट्रो पीछे आ ही रही है, बैठूंगा और यहाँ से सीधा जाने वाला हूँ। ये मेरी मेट्रो आ चुकी है, अब मैं जाऊँगा चांदनी चौक और फिर वहाँ बात करेंगे, मेट्रो के कुछ शॉट लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। जो मेट्रो थी वो मेरे साथ स्कैम हो गया, वो द्वारका के लिए थी, मगर वो पता नहीं अक्षरधाम पे उतरना पड़ा, अक्षरधाम से सीधा मेरे को फिर मिलने वाली है, आने वाली ट्रेन है, तो अक्षरधाम के लिए बात करता हूँ, उसके बाद मैं चांदनी चौक उतर के आपसे बात करता हूँ। तो ये मुंबई की लोकल ट्रेन मुंबई की तरह चल रही है, आप देख सकते हैं भीड़ ही भीड़ है, क्योंकि आपको दिख ही रही है कितनी भीड़ है यार, मतलब पता नहीं क्या हो गया मेट्रो में, सारी भीड़ दिख रही है। मेट्रो अक्षरधाम तक की थी, मैं इसलिए पहले स्टेशन पर उतर गया क्योंकि मैं इंटेलिजेंट था, और ये सब भीड़ ही भीड़ आपको दिख रही है, कहीं जगह ही नहीं है, फंस गया। चलिए, मैं उतर चुका हूँ राजीव चौक, अब राजीव चौक से येलो लाइन लेनी है मेरे को, और वहाँ से जाना है मेरे को चांदनी चौक। ठीक है, चांदनी चौक में आ चुका हूँ, और आप देख ही रहे हैं बहुत सारी भीड़ है यार, पता नहीं आज क्यों भीड़ है सैटरडे के चक्कर में। तो फाइनली आज खरीदेंगे कुछ नया और दिखाएंगे आपको कुछ नया। चलिए, बना रहे हो 10-12 साल हो गए, 10-12 साल से ही हूँ। अच्छा, कितने रुपए से स्टार्ट किया था? 30 से स्टार्ट किया था, और 30 से ही किया था 10-12 साल पहले भी, और 30 खीरा मूली बिकती थी। अच्छा, खीरा मूली बिकती थी, नहीं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है गाइस, और आप आ सकते हो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, ऊपर चढ़ते ही ये लगाते हैं भैया साइकिल पर, कभी भी और खाओ। क्या नाम है? मनीष। अच्छा, मनीष भाई की खाओ चांट, बहुत बढ़िया। चलो
देखते हैं, बताता हूँ कैसी है। इसे खाने में रिफ्रेशमेंट पूरी है, तो इसे मैं खा रहा हूँ। चांदनी चौक स्टेशन से ऊपर है और काफ़ी नाम है उनका भैया का, तो वहाँ मैं खा रहा हूँ। खाई बहुत खट्टी सी होती है, पता नहीं, उस फ्रूट में पहली बार खाई मैंने। और चांदनी चौक के बाहर हूँ, अब मैं रिक्शा लूँगा और मुझे जाना है सबसे पहले अरुण वस्त्र भंडार, जो यहाँ की सबसे पुरानी शॉप है। और साड़ियाँ मिलती हैं बहुत सारी और बहुत ही पुराना टाइम है पूरा, बहुत ही सारा। देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। ज़्यादा बिजी मार्केट है ये, आप देख सकते हैं भीड़ ही भीड़ है यार, मतलब रोज की डेली। ओ भाई, लहंगे बहुत अच्छे हैं लड़कियों के लिए, आप देख सकते हैं, क्योंकि लड़कियां मेरे सब्सक्राइबर बहुत हैं इस समय, तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मार्केट है। आप देख सकते हैं अभी मैंने आपको लहंगे दिखाए थे, और बाकी मुझे कुछ आइडिया नहीं है यहाँ का, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़रूरी जाना पड़ रहा है मॉम के लिए साड़ी लेने, और मैं बीच में ही चल रहा हूँ। काफ़ी सारा यार, देखते देखते पागल हो जाओगे, बहुत सारा इन पर कलेक्शन है और नया कलेक्शन है जो आप देखते देखते पागल होने वाले हो। ठीक है गाइस, अब मैं अरुण वस्त्र भंडार पे पहुंचता हूँ। आपको देख रही है वो सामने वाली दुकान पीली, यही है अरुण वस्त्र भंडार, और आपको भीड़ से ही अंदाज़ा हो जाएगा कितना यहाँ डेली का सामान है और क्या है। भीड़ रुकी पड़ी है और भाई यहाँ नंबर लगाना पड़ेगा, टोकन नंबर, जब ही होगा कुछ देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। भीड़ देख रहे हो आप, भीड़ कितनी है, भीड़ 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 है, बिल्डिंग पे भीड़ है इतनी सारी यार, गाइस बहुत सारी भीड़ है। आप देखो 2 घंटे में नंबर आया भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। फाइनली ये सामान ले लिया है मैंने, और ये सामान है ये, और बहुत टाइम लग गया, 2 घंटे लग गए भाई, 2 घंटे में कुछ भी, क्योंकि भीड़ इतनी सारी थी भाई, तुम समझ नहीं सकते, बहुत भीड़ रहती है यहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़। तो उन्होंने मना भी कर दिया क्योंकि अलाउड नहीं होता, क्योंकि भीड़ इतनी थी, फिर मैंने ज़्यादा बनाया भी नहीं फिर, और फाइनली मैंने ले लिया, अब मैं आगे जाता हूँ। अब उसके बाद लेने के बाद ये खा रहा हूँ, अब आगे चलता हूँ चांदनी चौक से, आगे चलेंगे कुछ देखेंगे कुछ खाएंगे, फिलहाल मैं ये खा रहा हूँ। चलो गाइस, सारी ही दुकान ड्राई फ्रूट्स की ही है सदर बाज़ार में, और बहुत सारा फ्रेश भी है, फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इससे आगे सदर बाज़ार चालू हो जाता है सीधा सीधा, और यहाँ से चांदनी चौक है, तो मैं अब चांदनी चौक को ही वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी काम से आया था वो है नहीं यहाँ अवेलेबल, तो मैं अब चांदनी चौक जा रहा हूँ वापस। चलिए आगे चलते हैं। जैन लेमन चिकन जी है जो यहाँ की फेमस है, तो आप आना, ये सदर बाज़ार और चांदनी चौक के गेट पर मिल जाएगा आपको, तो काफ़ी फेमस है ये भी, जैन लेमन सोडा। यहाँ पे इन पर नींबू सोडा शिकंजी मिलती है, रोज़ सोडा भी बहुत तगड़ा है इनका, तो कभी आना, मुझे ना पीना। गुरुद्वारा है और उससे आगे आपको दिख रहा हो तो वो है लाल किला, तो अभी मैं आपको सामने गुरुद्वारा दिखा रहा हूँ, चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से फेमस है, और सामने वो है लाल किला। दुकान से थक गया हूँ, क्योंकि 2 घंटे यार वहाँ खामा खा के बीत गए मेरे, और कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी वो 2 घंटे बीते मेरी दुकान के, और उसके बाद अब मैं वापस जाऊँगा। और ये सामने मसल्स की दुकान है, मसल गेन करनी हो तो भाई यहाँ से दुकान से ले सकते हो, और अब मैं सीधे जा रहा हूँ राजमा चावल जो वहाँ के फेमस है। दुकान देखी मेरे को, मैंने को देखने का मन करा और भाई मैं रुक नहीं पाया, तो मैं आपको बना रहा हूँ वीडियो इसकी, काफ़ी डेकोरेशन की टाइप, मतलब घर में आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सुंदर है, कभी आओ यहाँ पर। ये चांदनी चौक के पास SBI बैंक के बराबर में ही पड़ती है, बहुत ही सुंदर। देखिए मेरा मन खुद करा देखने का और मैं रुक गया यहाँ पर। बना रहे हो आप ऐसे? तो ये मतलब नेचुरल होती है बिल्कुल? ठीक है, क्या नाम है आपकी दुकान का?
आम कुल्फी वाले के भाई, ये जस्ट बिल्कुल लाल किले के मंदिर के सामने ही है और बहुत अच्छी है यार इसकी आइसक्रीम। तो मैं एक इनसे केसम बरहम ले रहा हूँ, जो इसे खोल के भी दो ना भैया, देखते हैं इनका टेस्ट करते हैं, इनसे पूछा है मैंने तो देख के बताते हैं। पहाड़गंज में मिलती है, मैंने आज पहली बार चांदनी चौक में देखी है। ये आइसक्रीम मैंगो होती है और ये बिल्कुल नेचुरल होती है, तो वहाँ मेन होती है, तो यहाँ मैंने देखी, आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल रियल आइसक्रीम है भाई, ये कभी खा रहे हैं यहाँ पे। इनका इनका रेट है 250 करीब में, और इनके पास बहुत अच्छी अच्छी कुल्फी है हैंडमेड बनी हुई, तो मगर मेरी नज़र इस पर पड़ी, बहुत ही अलग है यार। ये दूध की बोतल भी है और वाकई में बहुत अच्छी थी। और मैंगो की बात करें तो मैंने अभी मैंगो के बारे में कुछ इतना ज़्यादा देखा नहीं, मतलब मैंगो वो मैंने पहाड़गंज में ट्राई करी थी, तो उसके बाद अब देखिए मैंने तो एक साथ मेरी नज़र पड़ी तो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही अच्छी आइसक्रीम होती है, नेचुरल होती है और बहुत ही अच्छी है। ये चांदनी चौक के मशहूर है मिर्ची राम के भटूरे, सरदार जी के फेमस राजमा चावल जो सरदार जी बनाते हैं। चांदनी चौक में भागीरथ पैंक के ऊपर चलेंगे तो वहाँ के फेमस हैं, सबसे पहले मुझे याद है मेरे मामा ने खिलाए थे। और ये सामने फिर से लाइटिंग, बहुत सुंदर लाइटिंग दिख रही है ना आपको, मुझे बहुत ही सुंदर लगती है यार ये लाइटिंग्स, तो ये फेमस है। मैं खा के अभी बात करता हूँ आपसे, थक गया हूँ मैं काफ़ी और मेरी हालत हो गई ख़राब, तो मैं अब निकलने की सोच रहा हूँ यहाँ से चांदनी चौक से। मैं तो बहुत जगह घूमने के चक्कर में था मगर यार टाइम ज़्यादा लग गया, अब नेक्स्ट टाइम कभी घूमेंगे इधर आएंगे। तो अब फ़िलहाल आगे चलते हैं, आगे का ब्लॉग बनाता हूँ। और भाई सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो मेरे को, कहीं तो आगे बढ़ा दो मेरे को भाई प्लीज़। और चलते हैं। राजीव चौक पहुंच गया हूँ, बैटरी लो गई थी, बंद हो गया था फ़ोन, तो उसे चार्ज कराया। पीछे मेट्रो स्टेशन है, अब यहाँ से मुझे बोटैनिकल गार्डन जाना है और उसके बाद बात करता हूँ गाइस, ठीक है। जैसा कि मैं राजीव चौक पहुंच गया हूँ फाइनली, मैं बहुत थक गया था और मेरा फ़ोन भी बंद हो गया था, तो उसे चालू करके उसे सब करके फिर मैं फाइनली राजीव चौक पहुँच गया हूँ। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी मेट्रो का, मेट्रो के बाद आपसे बात करते हैं। काट दूंगा मैं ये लड़की, बदतमीज। फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ ग्रेटर नोएडा, तो आगे का ब्लॉग मैं घर पे खत्म करूंगा। और जैसा कि भाई मुझे बड़ी हंसी आ रही है आजकल, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ, तो जो भी चल रहा है चलने दो, ठीक है गाइस। का पूरा दिन काफ़ी बिजी रहा, मैं थक चुका था और भाई आप समझ सकते हैं पूरा ब्लॉग ऐसा था बिल्कुल थकान वाला, तो काफ़ी इन्जॉय भी किया। आइसक्रीम देखी भाई, बहुत अच्छी लगती है मेरे को, मगर मैंने खाई नहीं, मेरे को दूध की बोतल पीनी थी, बहुत गर्मी थी वहाँ। तो फाइनली अब टाटा बाय बाय करते हैं और अगले ब्लॉग में आपसे फिर मिलते हैं। और मुझे चैनल के सब्सक्राइब करो मेरे द ट्रैवलिंग बीस्ट, और आपका यहीं सपोर्ट बना रहे यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। You said never